मारुति 1000 एक ऐसी सिडान जिसने इंडियन कार मार्केट में एक मॉडर्न सिडान ट्रेंड की शुरुआत की और मारुति की पहली सिडान कार भी रही। वह मारुति 1000 ही थी जो 90s में कई परिवारों का स्टेटस सिंबल रही भारत में। तो चलिए आज देखते हैं मारुति 1000 की हिस्ट्री। आज से 33 साल पहले 1990 का वह दौर था जब हिंदुस्तान की सड़कों पर एम्बेसडर, पद्मिनी, 118 एनी और कॉन्टेसा जैसी कार्स दौड़ा करती थी। वहीं मारुति ने 1989 में एक मोटर शो में एक कार को पेश किया जो कि और कोई नहीं बल्कि मारुति 1000 ही थी, और इस सिडान ने अपनी तरफ काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। और अट्रैक्ट करती भी क्यों ना, क्योंकि इसका लुक एक मॉडर्न कार की तरह था। 1990 में जब इस सिडान को मारुति कंपनी ने लॉन्च किया तब मारुति की 800 और ओमनी पहले से ही भारत की सड़कों पर दौड़ रही थी। मारुति 1000 को जब लॉन्च किया गया, जब इसकी एक्स शोरूम प्राइस 381,000 रखी गई। मारुति 1000 में 979 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया था जो कि 46 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। 1000 सिडान में रियर सीट पर 3 लोग आराम से बैठ जाया करते थे। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा था। एयर कंडीशनर इस कार का बहुत ही बढ़िया था और डैशबोर्ड में यहाँ एंड में कनेक्टिंग डक्ट भी दी गई थी जो कि उस समय लोगों को काफ़ी पसंद आया करती थी। इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने फ्रंट और बैक में स्पीकर्स के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स दिया था जो कि 1990 में एक ऑसम फीचर हुआ करता था नई कार में। हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज़, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स ऐसे फीचर ने इस कार को एक डिमांडिंग कार बना दिया और इसकी बुकिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि इस सेडान पर भारी वेटिंग आ गया। तब मारुति ने कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम की मदद से 1000 के ओनर को निकाला और 1000 उन्हें दी। 90s में एक अफवाह भी उड़ाई गई थी कि जिसने भी मारुति 1000 को बुक किया है उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ कर रहा है। मारुति 1000 लोगों में तो पॉपुलर हुई, बॉलीवुड में भी इस कार को पसंद किया गया। 90s की काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में आप इस सेडान को देख सकते हैं। और तो और ये कार कई सेलिब्रिटीज़ की भी पहली कार रही है। जून 1991 में मारुति 1000 को कॉन्टेसा क्लासिक और 118 एनी से कंपेयर किया गया जिसको इंडियन ऑटो का कवर पेज बनाया गया। पर 1000 में 976 सीसी का इंजन कार को पिकअप नहीं दे पा रहा था क्योंकि मारुति 1000 के वेट के हिसाब से इंजन वीक पड़ रहा था। बाकी इंटीरियर क्वालिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट यहाँ पर बेहतर था। जिसके बाद मारुति ने 1000 का अपग्रेड वर्जन को 1994 में उतारा जिसका नाम था मारुति एस्टीम। कॉस्मेटिकली एस्टीम को 1000 का सेम लुक दिया गया था, पर एस्टीम में मारुति ने इंजन को अपग्रेड किया जिसमें पावरफुल 1.3 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यहाँ पर एस्टीम में लगाया गया जो कि 65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था 6000 rpm पर, और ये कार 0-60 की स्पीड सिर्फ 7 सेकेंड्स में अचीव कर लेती थी। यहाँ से एस्टीम की डिमांड रैली सर्किट्स में बढ़ने लगी और देखते देखते ये कार लोगों के दिलों पर छा गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1997 आते आते इंडियन कार मार्केट में मित्सुबिशी लांसर, ओपेल एस्ट्रा, होंडा सिटी, फोर्ड ओरियन और डेवो की सेलो जैसी कार्स आ चुकी थी, और अब एस्टीम को यहाँ से तगड़ा कंपटीशन फेस करना था इन लग्जरी कार्स के साथ। तभी मारुति ने एस्टीम को अपग्रेड करने का सोचा और 1998 में एस्टीम का फेसलिफ्ट वर्जन को मार्केट में उतारा जिसमें LX, VX, AX वेरिएंट लॉन्च किए गए। और उस समय एस्टीम सिडान सेगमेंट में 34% मार्केट शेयर ले रही थी, जबकि एक तरफ डेवो सेलो जो एस्टीम को एक क्लोज कंपटीशन दे रही थी वह 20% ही मार्केट शेयर क्लेम कर पा रही थी। मारुति ने फेसलिफ्ट एस्टीम में फ्रंट ग्रिल को चेंज किया, फ्रंट बम्पर्स में फॉग लैंप स्लॉट दिए, हेडलाइट्स को भी यहाँ रिप्लेस करके टर्न इंडिकेटर लगाए गए और एक्सटीरियर बॉडी कलर ऑप्शन फेसलिफ्ट वेरिएंट में ऐड किए गए, और यहाँ इंटीरियर में बेस्ट क्वालिटी अपोल्स्ट्री, कलर कोड डोर ट्रिम्स, रीडिजाइन डैशबोर्ड, लॉकेबल ग्लो बॉक्स, रीस्टाइल लोअर कंसोल बॉक्स विद एक्स्ट्रा कप होल्डर्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, इंटरनल एडजस्टेबल साइड मिरर्स यहाँ दिए गए। एस्टीम अपने सेगमेंट की एक बेस्ट सेलिंग कार बन गई। इसकी प्राइस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और मारुति की सर्विस क्वालिटी ने एस्टीम को सेकेंड हैंड कार मार्केट में भी बेस्ट सेलिंग कार बना दिया। 2000 का दशक आते आते इमिशन लॉ इंडिया में स्ट्रिक्ट हो चुके थे, तब मारुति ने एस्टीम में कार्बोरेटर सिस्टम को हटाकर MPFI के साथ मार्केट में एंट्री की, और यहाँ एस्टीम MPFI का परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो गया, और यही वजह रही कि एस्टीम रैलीज में भी लोगों का दिल जीतने लगी। एस्टीम का लाइट वेट और पावरफुल इंजन कॉम्बिनेशन ने इस कार को और तेज बना दिया। पर 2000 का दशक में फोर्ड आइकॉन, हुंडई एक्सेंट, ओपेल कोर्सा जैसी मॉडर्न सिडान कार्स की एंट्री हुई जिसके बाद एस्टीम की डिमांड में गिरावट आने लगी, और इस समय में फोर्ड आइकॉन और हुंडई एक्सेंट ने एस्टीम की सेल्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फोर्ड आइकॉन में 1.8 लीटर डीजल इंजन और हुंडई एक्सेंट में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन CRDI की बैजिंग के साथ उतारा गया, और इन दोनों कार्स ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया।
पर मारुति भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। 2001 में एस्टीम का एक स्पेशल एडिशन मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया कुछ एडिशनल फीचर देकर, पर यह स्पेशल एडिशन मॉडल भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। वहीं 2002 की शुरुआत में टाटा इंडिगो लॉन्च हुई 1.4 लीटर 3 सिलेंडर कॉमन रेल डीजल इंजन के साथ। मारुति एस्टीम को भी डीजल वेरिएंट में लॉन्च किया गया 2002 में, जिसमें 1.2 लीटर पेजो का इनडायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन लगाया गया जो कि 5000 आरपीएम पर 57 bhp प्रोड्यूस करता था। एस्टीम डीजल 0-60 की स्पीड 7 सेकंड में अचीव कर लेती थी और माइलेज की बात करें तो माइलेज 17-18 km/h का यहाँ पर एस्टीम डीजल से मिल जाया करता था। 2004 आते आते मारुति सुजुकी ने टाइप 3 एस्टीम को लॉन्च किया, जिसमें कुछ बेसिक कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर किए गए। ये एक न्यू अवतार डिज़ाइन था एस्टीम का। मारुति सुजुकी ने इंटीरियर में कुछ माइनर चेंजेस किए और पेट्रोल वेरिएंट में रेट्स को 50,000 rupees कम किया गया और इन्हीं वजह से 2004 से 2005 के बीच एस्टीम की सेल्स में 14% की बढ़ोतरी आई। जब हिंदुस्तान में यूरो 3 इमिशन नॉर्म आया, मारुति ने साइलेंटली अपनी डीजल एस्टीम को डिसकंटिन्यू कर दिया और फाइनली 2007 में 17 साल बाद और 2 लाख यूनिट सेल्स होने के बाद एस्टीम का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, क्योंकि मार्केट में उस समय फोर्ड फिएस्टा, हुंडई वर्ना, शेवरले एविया जैसी कार्स ने मिड साइज सिडान सेगमेंट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन 2005 में मारुति सुजुकी ने अपनी एक और दिग्गज मारुति स्विफ्ट लॉन्च कर दी थी, जो कि वास्तव में एस्टीम का ही एक पार्ट थी, और 2008 तक स्विफ्ट डिजायर को उतार दिया गया था, जिसने इंडियन कार मार्केट में तहलका मचा दिया था। पर मारुति एस्टीम को आज भी इसके चाहने वालों ने अपने पास संभाल कर रखा है और वह इस कार को आज भी डेली ड्राइव करते हैं। क्या आपकी भी कोई मेमोरीज जुड़ी है इस प्यारी सी एस्टीम से, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।